सो गाइस मेरे हाथ में है भाई मेरा GoPro Hero 9 Black, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया भाई ऑन। अब इन दो चीज़ों में भाई फ़र्क जो है वो क्या है, मैं अभी आपको डायरेक्ट ही दिखाता हूँ, क्योंकि अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ भाई फ़ोन से, ठीक है ना। तो फ़ोन से बना रहा हूँ और फ़ोन का जो सेटअप रहता है वो ऐसा रहता है, देखो। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमन नेचर, एक और खूबसूरत और प्यारे से व्लॉग में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। आजकल भाई अपन कहीं जा नहीं पा रहे हैं, साइकिल राइड तो कर रहे हैं, लेकिन यार असल में क्या है ना, टाइम की कमी हो रही है आजकल, थोड़ी बिजी लाइफ चल रही है, तो इस वजह से मैं सूट नहीं करता हूँ, खाली जाता हूँ अपना राइड करके आ जाता हूँ, ठीक है। तो गाइस रही बात अपनी बाइक राइड की, तो भाई अभी तो वैसे सर्दियाँ हैं, झड़पात का मौसम है, बारिश बारिश है, तो अपन ऐसे में भाई अपनी बाइक लेके कहीं जाएंगे नहीं, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि अपना घर से ही अपना डेली व्लॉग शूट हो रहे हैं, डेली अपलोड हो रहे हैं, ठीक है, और 1 बजे मेरे व्लॉग आ ही रहे हैं, आपको पता ही है। सो गाइस आज का जो टॉपिक है भाई वो था GoPro वर्सेस DSLR वर्सेस फ़ोन। तो भाई बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं और कई लोग मेरे से फेस टू फेस भी ये पूछते हैं कि भाई GoPro बेस्ट रहेगा व्लॉगिंग के लिए, फ़ोन बेस्ट रहेगा या अपना DSLR बेस्ट रहेगा। तो आज मैं उसी के बारे में कुछ डिस्कस आपसे करने वाला हूँ। तो गाइस मैं कर रहा हूँ ये व्लॉग कम से कम रात के 11 बजने वाले हैं भाई, और 11 बजे मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आपसे प्रॉमिस कर रखा है, मैंने वादा कर रखा है कि भाई पर डे मैं 1 बजे आपको व्लॉग दूंगा ही दूंगा। तो सबसे बेस्ट व्लॉगिंग किससे होती है, और हमें जो है कि 4K और HD क्वालिटी में, हाई डेफिनेशन की क्वालिटी में वीडियो किससे देखने को मिलेंगे, और क्या हमें फ़ोन से व्लॉगिंग सही है, सूटेबल है, या हमें GoPro सही है, क्योंकि भाई DSLR की जो कीमत है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। एक नॉर्मल बंदा भाई फ़ोन तो ले सकता है, थोड़ा बहुत बजट अगर अपना इंक्रीज करे तो भाई GoPro भी बाइक कर ही सकता है, लेकिन भाई अगर DSLR की बातें करें तो भाई उसके लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। सो गाइस मेरे हाथ में है भाई मेरा GoPro Hero 9 Black, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया भाई ऑन। अब इन दो चीज़ों में भाई फ़र्क जो है वो क्या है, मैं अभी आपको डायरेक्ट ही दिखाता हूँ, क्योंकि अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ भाई फ़ोन से। बस ये है भाई GoPro की रिकॉर्डिंग, और इसमें आपने देखा भाई जो वाइड एंगल है कितना बेहतरीन आ रहा है, और जो आवाज़ की क्वालिटी है भाई GoPro की बिल्कुल ज़बरदस्त क्वालिटी है, ठीक है। यहाँ पर रख दिया मैंने अपना अभी सेटअप तो ये है भाई मेरा फ़ोन का सेटअप, और जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ ये है GoPro का सेटअप। तो भाई आपको लग ही गया होगा वीडियो देखकर कि किसकी क्वालिटी बेहतरीन है, क्योंकि भाई GoPro में खास बात यह है कि इसमें जो वाइड एंगल होता है ना भाई साहब, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है, और इसमें हमें एक्स्ट्रा माइक लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जिस तरीके से आप देख ही सकते हैं इसमें मैंने भाई अलग से माइक भी लगा रखा है, ये है ना पूरा सेटअप ये रहता है, और गोरिल्ला पॉड अलग है, तो इस वजह से जो है कि भाई आवाज़ जो है बेहतरीन आती है मोबाइल से शूट करने में, ठीक है। सिंपल मैंने GoPro पकड़ रखा है ना, इसमें मैंने अभी माइक लगा रखा है, कुछ भी नहीं, स्टैंड भी नहीं, डायरेक्ट ये अपने हाथ से, कोई वो भी नहीं है मेरे पास। अब जैसे मैंने फ़ोन का दिखाया गोरिल्ला पॉड में मैंने वो अटैच कर रखा है, बट इसमें मैं क्या कर रखा है, मैंने GoPro को खाली सिंगल हैंड से ये, ना कोई माइक ना कुछ ना कचा, ठीक है, बढ़िया अपना शूट करो, स्टॉप करो वीडियो, एडिट करो और अपलोड करो। सो गाइस आप देख सकते हैं GoPro के साथ भाई मुझे मिलती है इतनी सारी एसेसरीज, तो इसमें भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, जितने भी माउंटेड दिख रहे हैं आपको भाई, इसमें कार से लेके और हाथ में पकड़ने वाले तो दो दो तीन तीन माउंट हैं भाई, बाकी हेलमेट में लगाने वाले अलग से हैं, ठीक है, और ये एक छोटा सा माउंट यहाँ भी है, क्योंकि गैस ज़्यादा सामान में भी लाया नहीं GoPro का, तो थोड़ी एसेसरीज मैंने भाई अपने कमरे में रखी है, बाकी जितने भी मैं ला सका दिखाने के लिए आपको तो ये रही। तो भाई GoPro में ये फ़ायदा है गाइस कि आप मोटो व्लॉगिंग भी कर सकते हैं और नॉर्मल व्लॉगिंग भी कर सकते हैं। क्या मैं फिर से अपने मोबाइल के सेटअप पे, ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि GoPro एक ऐसी चीज़ है जिससे आप भाई नॉर्मली चलते हुए भी आप जो है कि व्लॉगिंग कर सकते हैं अपने लिए, और सबसे बेस्ट बात जो इसका वाइड एंगल है, और उससे भी बेटर मेरे को क्या लगा, बिल्कुल वीडियो सेक नहीं होता है भाई, आप GoPro को पकड़ के ना दौड़ते हुए भी अगर शूट करेंगे तो भी भाई आपका वीडियो सेक नहीं होगा। और रही बात DSLR की, तो भाई वो तो मेरे पास अभी अवेलेबल है नहीं, और मेरे को चाहिए भी नहीं हुआ, क्योंकि भैया कम से कम 250 से 300 350 ग्राम का उसका वेट होता है, से हल्का DSLR होता है, उसके बाद उसके लिए चाहिए अलग से कॉलर माइक, जिसकी कीमत भाई रोड का लगभग 20 से 25 हज़ार या 15 हज़ार नॉर्मली इतने का वो माइक बैठता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात भाई, जो उसका जो पॉड होता है ना जिसमें हम DSLR को अटैच करते हैं, तो वो इतना बड़ा सेटअप हो जाता है कि आप नॉर्मली मतलब इस तरीके से हाथ में पकड़ पकड़ के जो है कि वीडियो को शूट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका हाथ ना पेन होने लग जाएगा, आपके हाथ में दर्द होने लग जाएगा भाई। तो भाई सबसे बेस्ट मेरे को लगा GoPro।
अब वो इसलिए क्योंकि भाई गोप्रो का जो वाइड एंगल है वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, A1 है, गोप्रो शेक बिल्कुल नहीं करता। गोप्रो से आप व्लॉग ही नहीं अपितु बल्कि मोटो व्लॉग भी कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर कार में जा रहे हो तो कार में भी व्लॉग आप आसानी से कर सकते हो। तो भाई गोप्रो चीज़ एक लेकिन उसके काम अनेक। वही चीज़ अगर मैं कहूँ फ़ोन, तो भाई फ़ोन की देखो आजकल नॉर्मली बैटरी उतनी चलती है नहीं, गोप्रो के साथ हमें दो बैटरी मिल जाती हैं, कई तरीके के माउंट मिल जाते हैं। और फ़ोन से फिर क्या होता है ना यार, अगर आप नॉर्मली फ़ोन से शूट भी कर रहे हो ना तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है, बट अगर आप गोप्रो से शूट कर रहे हो तो आपको ना एक्स्ट्रा माइक की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको एक्स्ट्रा बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। दो दो बैटरी उसके पास गोप्रो के पास जो है कि हमेशा रहती रहती है अवेलेबल, एक बैटरी रहती है गोप्रो के अंदर और एक रहती है गोप्रो के केस में। देखें अब जैसे यही है, एक बैटरी तो भाई इसके अंदर है, एक बैटरी मेरी ये है, और लगभग एक बैटरी कम से कम 4 से 5 घंटे का बैकअप दे देती है। बाकी भाई इसमें क्या होता है कि एंगल चेंज करने के लिए आपको जितने भी माउंटिंग मिले होते हैं वो सारे के सारे प्रयोग में अगर आप लाओगे और उससे बेहतरीन से बेहतरीन शॉट आपको वीडियो में दिखाई देगा। और क्लियरिटी तो भाई गोप्रो की बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। तो भाई सीधी सी बात ये है, ना DSLR ना फ़ोन। हाँ एक बात मैं बताना भूल गया, अगर आप फ़ोन से वीडियो शूट करते हैं और उसके बाद वीडियो अपलोड करते हैं अपने चैनल में, तो फिर आप देखना लगभग जो वीडियो की क्वालिटी होती है ना वो हल्की हल्की मतलब फटी फटी टाइप की आती है। अब फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमने या तो 360 में जाना पड़ेगा या 480 में जाना पड़ेगा तब जाके। अब उससे होगा क्या कि नॉर्मली बंदा भाई इतना चाहता नहीं है, क्योंकि आजकल रील का ज़माना है, रील भी बहुत देखता है, और रील वैसे भी इतनी भाई नेट लेती है भाई फ़ोन का, क्या बताऊँ, डाटा एकदम से छुमंतर हो जाता है। तो भाई गोप्रो के क्या है कि अगर आप 240 में भी देखोगे ना, 240 में भी आपको HD क्वालिटी देगा, और Hero 9 तो वैसे भी लेटेस्ट है भाई, बेस्ट लगा मेरे को। तो थोड़ा सा अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप गोप्रो बाई करें। गोप्रो से आपकी मोटो व्लॉगिंग, कार की व्लॉगिंग, प्लस पैदल, प्लस दौड़ के, प्लस नॉर्मल व्लॉगिंग, घर के नॉर्मल वीडियो शूट भी आप कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि गोप्रो लें, और गोप्रो आपका क्या है कि हर चीज़ के काम आ जाएगा जितना फ़ोन नहीं आएगा। तो फ़ोन से आप मोटो व्लॉगिंग नहीं कर सकते हो, हालांकि कर सकते हो, लेकिन यार आपका कॉन्फिडेंट लेवल थोड़ा डाउन ज़्यादा ना। अब आप बैठे हो मतलब अच्छी खासी बाइक में, 1.5 से 2 लाख की बाइक में, और आप कर रहे हो फ़ोन से शूट, तो वो एक अलग सा फील देता है। तो ठीक है दोस्तों, अब आप बात समझ गए होंगे कि व्लॉगिंग के लिए कौन सा कैमरा बेस्ट है। तो मिलते हैं ऐसे किसी खूबसूरत और प्यारे व्लॉग में, तब तक के लिए रखा, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।